हेलो एंड वेलकम टू विजम प्लस अकेडमी डेयर एक्सपेरेंटस आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इन में नए डिस्ट्रिक्स को क्यों क्रिएट किया जाता है हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे मेघालय एंड पंजाब स्टेट की आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा मेघालय का जो ट्वेल्थ डिस्ट्रिक्ट है वो बनने को है जिसको हम मेरांग बोलते हैं एंड जो मेलरकोटा है इट बिकेम ट्वेंटी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट देन हम यहाँ पर देखेंगे प्रजेंट स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिकस इन इंडिया फिर हम देखेंगे किसके पास पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉर क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्स इन इंडिया और एबालशिंग और ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्स फिर हम देखेंगे जो इंडिया में नए डिस्ट्रिक्स को बनाया जाता है इसके एडवेंटेज क्या है फ़ायदे क्या है एंड लास्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिसएडवेंटेज और चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिकस ये सारे चीज़ें हम यहाँ पर इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग डू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर्स फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मेघालय में नया डिस्ट्रिक्ट को क्यों बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय स्टेट कौनराड सेंगमा उन्होंने कुछ फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए हैं इन द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट उन्होंने बोला जो मेरांग था इट वॉज मोस्ट नेग्लेक्टेड रीजन इन द स्टेट जितनी भी प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे बनी थी गवर्नमेंट वहां पे बने थे उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया था मेराजन पर उन्हें बोला कि जब नया एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा इसे क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन विल कम क्लोजर टू द पीपल यानी नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा नई एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी और जो लोग हैं वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स तक ठीक है नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना है टू थाउजेंड थर्टी तक उनमें फाल करता है बाटम में मेरांग रिजन ये भी एक रीज़न उन्होंने साइट किया था उसके बाद उन्होंने बोला जो बेसिक पर्पज़ है नए डिस्ट्रिक्ट मेरांग को क्रिएट करने का वह है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इनक्रीज करना उसमें इम्प्रूवमेंटस आने हैं ये कुछ रीजनज़ प्रोवाइड किए थे कौनराण सेंगमा ने द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय स्टेट अब हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिकस इन इंडिया हिस्टोरिकली हैव बीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट जिसको रन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हम नो no इंडिया बोलते हैं देर आर सेवन हंड्रेड एटीन डिस्ट्रिक्स करंटली प्रेजेंट इन इंडिया डैट मीनज ये जो सेवन हंड्रेड एटीन का नंबर है ये डबल हो चुका है दैन द डिस्ट्रिक्स दैट वर प्रेजेंट इन इंडिया जूरिंग नाइनटीन सेवेंटी वन सेंसस देखिए नाइनटीन सेवनटी वन सेंसस ऑनवर्ड्स जो एवरेज साइज है डिस्ट्रिक्स इंडिया में डेट इज गेटिंग सम्मालर एंड समर फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन एटी वन के सेंससस में इंडिया हैड ऑनली फोर हंड्रेड ट्वेल्व डिस्ट्रिक्स जिनका एवरेज साइज था सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी एट स्क्वायर किलोमीटर बट टू थाउजेंड अलेवन के सेंसस में इंडिया के पास सिक्स हंड्रेड फोर्टी डिस्ट्रिक्स थे जिनका एवरेज साइज था फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी एट स्क्वायर किलोमीटर्स डैट मीनस यहाँ से हमें प्रूफ मिलता है इंडियन डिस्ट्रिक्स का जो साइज है डैट इज़ बिकमिंग सुमालर एंड सुमाल फ्राम स्टेट टू स्टेट जो नंबर एंड साइज है डिस्ट्रिक्स का वो वैरी हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया उसके पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्स है 75 फाइव फॉलोड बाई मध्य प्रदेश फिफ्टी टू अब हम यहाँ पर देखेंगे पावर ऑफ मेकिंग और एबॉलिशंग डिस्ट्रिक्स इन इंडिया देखिए नए डिस्ट्रिक्स को क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्स को एबॉलिश करना आल्टर करना ये जो सारे पावर्स हैं ये व्यस्त करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट जो है वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशू करके या पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली में लॉ को पास करके नए डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को अल्टर और एबॉलिश कर सकते हैं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ मेकिंग और एबॉलिशिंग डिस्ट्रिक इन इंडिया लेकिन अगर हम स्टेट की बात करेंगे किसी नई नया स्टेट को क्रिएट करना या किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना और एक्सट्रैक्ट करना पार्ट फ्रॉम स्टेट और यूटीज़ और नई यूटी और स्टेट को क्रिएट करना उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल टू एंड थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेकिंग और एबॉलिशिंग डिस्ट्रिक्स इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती है बिकॉज जो डिस्ट्रिक्स है दीज आर बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया देखिए जो स्टेट हैं ये बिल्कुल फ्री होती है इन डिसाइडिंग विच डिस्ट्रिक्ट इज टू बी एबॉलश और विच न्यू डिस्ट्रिक्ट इज टू बी क्रिएटेड ये सारे पावर जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती हैं नाउ लेट नो सी एडवेंटेज और बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिकस इन इंडिया नंबर वन इट एंश्योर्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिकस बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट नया बनता है उसका पापुलेशन एज वेल ए एरिया कम रहता है एज़ कम्पेयर टू होल एरिया जहाँ से नए डिस्ट्रिक को क्रिएट किया जाता है एंड इट एंश्योर्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट देखिए जो नए डिस्ट्रिक्ट बनता है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन बनती हैं गवर्नमेंट बनता है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर सर्विसेज डिलीवर कर पाती हैं पॉपुलेशन को लोगों को जो वो नए डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ठीक है नेक्स्ट इट ब्रिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल यानी जो लोग हैं वो इजीली अप्रोच कर सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विज़न रख सकती हैं एवरी पर्सन पर रेस्टिंग इन डैट वेरी न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर सर्विस को डिलीवर कर पाती हैं लोगों तक नेक्स्ट देखिए जब नया डिस्ट्रिक्ट बनता है उस डिस्ट्रिक्ट में हम स्पेसिफिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को लॉन्च कर सकते हैं जो बिल्कुल फिट हो सकती हैं उस रीजन के लिए ठीक है नेक्स्ट इट इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री बिकॉज जब नया डिस्ट्रिक्ट बनता है वहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और जब एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है डैट to मीनस वहाँ पर नए ऑफिसंस की ज़रूरत पड़ेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ब्यूरोटी से लेकर पियान तक डैट मीनस वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है लास्टली अब हम देखेंगे डिसएडवेंटेजेज़ और चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्टज इन इंडिया नंबर वन जब गवर्नमेंट डिसाइड करता है नया डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को चाहिए होता है ऑफिस स्पेस बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट को स्टैंड करवाने के लिए गवर्नमेंट को बिल्डिंग चाहिए होती है लैंड चाहिए होता है नेक्स्ट देखिए जब नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा डेट मीन्स वहाँ पर नई एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी और जो न्यू ऑफिशल्स हैं उनको इधर रिक्रूट करना है हायर करना है या प्रमोट करना है ठीक है ना एंड इट बिकम्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज जो ऑफिसल्स हैं या ऑफिस स्पेस को फाइंड आउट करना उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और जो गवर्नमेंट होता है उसके पास अगर सफिशेंट रेवेन्यू नहीं आया तो वो क्या करते हैं टैक्सेस को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से जो कास्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाएगा डैट मीनस जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का उस एरिया में वो घटेगा वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है ख एट टाइम्स क्या होता है किसी भी रीजन को डिवाइड किया जाता है और वहां पर नया डिस्ट्रिक्ट को बनवाया जाता है क्रिएट किया जाता है बिकॉज ऑफ पोलिटिकल प्रेशर देखिए जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं एट टाइम्स वोट बैंकिंग के लिए इन आर टू गेट क्रोजल वोटर्स लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स वो क्या करते हैं किसी भी जोग्राफिकल एरिया को डिवाइड करते हैं वेरियस डिस्ट्रिक में ठीक है ना नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ा जो ड्राबैक है नए डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना वो है किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जो कल्चरल रीजनल सोशल बाड्स होते हैं वो बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं जब नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा लाइक इस सेशन एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो